वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रितेश पवार फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, ओके, चैप्टर नंबर 4, कंटिन्यूइंग द चैप्टर नंबर 4, लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.1 वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो, ओके। सो टुडे आई एम कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 4, सो स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 4.2 विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following option is true? Okay, and why? आपको बताना है इन सभी में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, करेक्ट है, और क्यों? क्लियर? ओके, योर इक्वेशन इज गिवन हियर, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, क्लियर? सो यहां पर हमने देखा एक वेरिएबल गिवन है, दो वेरिएबल गिवन है ना, उसमें एक वेरिएबल यहां पर अकेला है विदाउट एनी कोफिशियंट। सो नाउ हमें चेक करना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा क्या, या फिर दो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन निकलेंगे, या फिर इनफाइनेटली मेनी, या बहुत सारे, क्लियर? सो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर मन से पुट करेंगे, है ना, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, एज यू विश, क्लियर? सो पुटिंग हियर एक्स इक्वल्स टू 0, जब आपने एक्स का वैल्यू 0 पुट करा, है ना, तो वाई इक्वल्स टू 0 3 0 0 3 0 0, 0 प्लस 5 दैट इज 5, वाई की वैल्यू 5y, एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, सो 3 1 3 प्लस 5 That is 3 1 3 plus 5, so 3 plus 5 that is 8, so y की वैल्यू क्या आई, 8 आई, ऐसे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, ओके, सो y का वैल्यू आते जाएगा, हम जितनी बार x की वैल्यू पुट करते जाएंगे उतनी वैल्यू x की आती जाएगी, है ना, सो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे, है ना, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी, क्लियर? सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना, कैसे आएंगे फिर से एक बार बताऊं, एक्स की हम जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे 0 1 2 3 4 100 200 जो आपको रखना है ना, तो उसके लिए हमको वाई का एक सॉल्यूशन मिलेगा, सभी के लिए एक सॉल्यूशन मिलेगा, अंडरस्टूड? सो यहां पर कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनेटली, क्लियर? तो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना, क्वेश्चन में बहुत सारी इक्वेशन दी हुई है, सो आपको क्या करना है, उनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करना है। सो फर्स्ट आपकी इक्वेशन गिवन जो है दैट इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 7, है ना, सो 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो वेरिएबल के साथ, दैट मीन्स जो वेरिएबल अकेला जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, ऐसा वेरिएबल देख लेते हैं, तो ऐसा वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x के साथ तो 2 है तो इसको नहीं रहे, देखते हैं y को देखते हैं, है ना, इसको हम अकेला बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, कहीं पर इसको अकेला रखते हैं, सो y लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इसको यहीं पर रहने देते हैं, 7 एज इट इज, प्लस का 2x हम उधर शिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स ट्रांसपोज करते हैं, सो ट्रांसपोज करते हैं तब क्या होता है, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x हो गया, ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक नॉर्मल इक्वेशन है जो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x के फॉर्म में है ना, सो यहाँ पर हम x की वैल्यू मन से, है ना, कुछ भी पुट करेंगे, दैट इज हम रख सकते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, जो आपकी इच्छा हो, हमें 4 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कितने 4, तो x की वैल्यू हम लेट करेंगे, मानेंगे 4 बार हम मन से रखेंगे, तो पहले एक बार देखते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, 0, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू x की जगह 0 पुट किया, 2 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 7, सो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको y क्या मिला, 7, है ना, सो 0 7 ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, ओके,
आपको चार सॉल्यूशन निकालना है। सो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन ये है 0 7, अंडरस्टूड। सेकंड निकालते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं 1, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इनटू 1। यहां पर x की जगह 1 पुट किया हमने, क्लियर। सो 2 1 2 y इक्वल्स टू 7 में से किया तो 5। सो ये देखिए, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कितना आया, 5 आया। दिस इज सेकंड सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन इक्वेशन, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लेते हैं, है ना, 2 रखते हैं। नाउ y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इनटू x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 इनटू 2 टू द 4। सो जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू 3। सो 2 3 इज द थर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, x की जगह 3, 2 3 जा 6, 7 में सब 6 गया तो 1। जब हमने y का x का वैल्यू 3 पुट किया, y हमें मिला 1, ओके। सो दिस इज द फोर्थ सॉल्यूशन। तो हमारे हमें फाइंड करने थे इक्वेशन के, इस इक्वेशन के फोर सॉल्यूशन। तो दिस इज 1 2 3 4, ओके, हमने फोर सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का एक इक्वेशन और फोर सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, है ना। सो इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 4y, क्लियर। यहां पे देखिए, एक वेरिएबल x जो है उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर x y के साथ 4 कोफिशिएंट है, तो x को हम ऐसे रख देते हैं। इस बार y की वैल्यू हम यहां पर हम पुट करेंगे 0 1 2 3 4, क्लियर। किसी इक्वेशन में आप ये कंफ्यूज मत होना कि किस वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, है ना। मन से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकता है। तो यहां पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, टेकिंग y इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4 इनटू y की वैल्यू हमने 0 ली, तो 4 इनटू 0, तो x 4 0 0। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x आपको क्या मिला, 0, ओके। ये देखिए, सो x इज 0 एंड y इज 0, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ पुटिंग वैल्यू, ओके, y इक्वल्स टू 1, नाउ x इक्वल्स टू 4 इनटू 1, ओके, तो 4 1 4। जब हमने y इक्वल्स टू 1 पुट किया, सो x क्या मिला, x इज 4। सो x का वैल्यू हमेशा कोऑर्डिनेट में हम पहले लिखते हैं, ध्यान रखेंगे आप, x पहले y सेकंड, क्लियर, है ना। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये बात। पुटिंग y इक्वल्स टू 2, सो नाउ हियर 4 इनटू y की वैल्यू 2, 4 इनटू 2, सो x का वैल्यू 8। सो थर्ड आपको सॉल्यूशन जो मिला हुआ ये है 8 2, ओके। फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं, y एक बार 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रख देता है, ओके, रखा। सो नाउ x इक्वल्स टू 4 इनटू y, y की जगह 3 रखेंगे, सो 4 इनटू 3, सो y x, सो x इक्वल्स टू 4 3 12, है ना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, 12 3, x की वैल्यू पहले देन y, सो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज योर थर्ड सॉल्यूशन, दिस इज योर फोर्थ सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको चार सॉल्यूशन निकालना है, सो इन दिस वे यू विल फाइंड द फोर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 यही पूरा होता है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। ये एक इक्वेशन गिवन है आपको और इसका x सॉल्यूशन गिवन है आपको, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है ना। तो आपको k का वैल्यू निकालना है, क्लियर। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सो x का वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो आप x की जगह पर क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। और y 1 गिवन है, y की वैल्यू 1 गिवन है, सो y की प्लेस पर आप 1 पुट करेंगे, सो आपको k का वैल्यू मिलेगा। चलते हैं पुट करके देखते हैं, है ना। सो योर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। दिस इज योर गिवन इक्वेशन। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 here. ओके, इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। सो यहां पर x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, y की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, इक्वल्स टू k, क्लियर। x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट किया, अंडरस्टूड। देन सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द 4 प्लस 3 वन जा 3 इक्वल्स टू k। ओके, नाउ 4 प्लस 3 इज 7, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, k इक्वल्स टू 7, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।